वेलकम टू माय चैनल माय कार साराभाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड मैथ क्विज, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ओलंपियाड एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच हैज द करेक्ट नंबर ऑफ फेसेस फॉर पिक्चर्स? ए 1, बी 2, 0, सी 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज द करेक्ट नंबर ऑफ फेसेस फॉर पिक्चर्स? ये क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? ए 6, बी 12, सी 18। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दें और चेक करें कि आपके बच्चे को कितना आ रहा है। प्लीज पेरेंट्स, इस प्रकार के एमसीक्यू कोर्सेज बच्चों को अवश्य प्रैक्टिस करें, जिससे कि बच्चों को आईक्यू लेवल फास्ट होता है, साथ ही उसके लिए इंटरेस्टिंग भी रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है, सिर्फ एक ऑप्शन पर टिक लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाता है 6। नंबर 3, विच हैज द करेक्ट नंबर ऑफ कॉर्नर फॉर पिक्चर? इस पिक्चर्स में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, 6, 9। करेक्ट आंसर इज 8। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 कॉर्नर हो जाते हैं, फिर इधर कॉर्नर, ये जो है कॉर्नर, इस प्रकार के ये कॉर्नर होते हैं, ये एक कोना, इस तरह 8 कॉर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है 2, the object given the odd one. इसमें से अलग कौन सा ऑप्शन है? A, B, C and D. Correct answer is option D, ball. A, B और C तीनों rectangular shape पे हैं, जबकि D जो है round shape में। Number 5, which is the longest object? A, B, C, D. Correct answer is option A. Number 6, observe the given picture and take the correct word. A, round, B, long, C, both, D, none. Correct answer हो जाते हैं option A, round. Next question number 7, which object can roll? कौन सा ऐसा object है जो roll हो सकता है? Roll and slide chapters के अंतर्गत रोल कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? ए स्केल, बी ब्लैक बोर्ड, सी क्यूब, डी बॉटल। करेक्ट आंसर इज बॉटल। बॉटल को हम रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द फॉलोइंग नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। 2, 4, 3, 1, इसको हम करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, जिस प्रकार हम काउंटिंग लिखते हैं। ए 1, 2, 3, 4, बी 2, 1, 3, 4, सी 3, 4, 1, 2 एंड डी 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 9, हाउ मेनी बंचेज ऑफ क्रॉप्स आर गिवन पिक्चर्स? कितने ब्रांचेज क्रैप्स के हैं यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कितने। ए 10, बी 4, सी 8 एंड डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाते हैं 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 8। तो करेक्ट आंसर हो गया, चेक करते हैं, 8। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द नंबर दैट हैज 4 इन वन प्लेसेस? 36, 45, 67 या 84?
इसमें से फोर वन प्लेसेस पे फोर कौन से ऑप्शन में है, ए 36, बी 45, सी 67 एंड डी 84। करेक्ट आंसर है 84। फोर यहाँ पर वन प्लेस पे है और एट टेन प्लेस पे, वन टेन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग पैटर्न, वन टू वन टू, इस तरह पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मिसिंग नंबर 35, 33, 31 एंड 21। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 35, ए 24, बी 25, सी 27, डी 28। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 27, बिकॉज 35 माइनस 2 33, 33 माइनस 2 31, 31 माइनस 2 21, इस प्रकार सब में माइनस 2 होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एन। यहाँ पर डी और एफ के बीच में ई आता है जिसे स्किप किया गया है, फिर एफ ई को स्किप किया गया है, एफ जी एच जी स्किप हो गया, तो एक एक लेटर स्किप करके हम नेक्स्ट लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर को डबल वर्ड लिखा जा रहा है, तो डी ई एफ ई एच आई जे के एन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एन। नंबर 14, विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है, ए थर्सडे, बी सैटरडे, सी वेडनेसडे, डी संडे। करेक्ट आंसर इज सैटरडे। विच इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, वीक का सेवेंथ डे कौन सा होता है, थर्सडे, बी फ्राइडे, सी सैटरडे, डी संडे। करेक्ट आंसर है संडे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह मैथ के एमसीक्यू में लेकर आ रही हूँ, तो रोज दिन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए कि कौन सी क्लासेस की वीडियो आ रही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जाम में भी बच्चों से पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य कराएं और प्लीज़ कॉमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको उसको कितनी तैयारी करवानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।